हेलो मेरे पूडीज, कुकी फैट विद रानी में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुल्फी रोल की रेसिपी, जिसे हम बनाएंगे ब्रेड से। तो जल्दी से इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिए हैं 2 व्हाइट ब्रेड। आपको ना सिर्फ 2 ही ब्रेड लेने हैं, 2 से ज्यादा नहीं लेने हैं, क्योंकि 2 ही ब्रेड में ना बहुत ही अच्छी कुल्फी बन जाएगी। तो अब इस ब्रेड को ना पीस लेंगे। तो ले लेंगे एक मिक्सर का जार। अब ब्रेड को इस तरह से तोड़ करना हम मिक्सर जार के अंदर डाल देंगे। आप चाहो तो जो ब्रेड के किनारे हैं ना, इन्हें हटा भी सकते हैं, नहीं तो इन ब्रेड को ऐसे भी पीस सकते हैं। तो अब जार का ढक्कन बंद करके इन ब्रेड को पीस लेंगे। तो ब्रेड पीसकर तैयार हो चुके हैं। और ये देखिए, मैंने ना ब्रेड को पूरा नहीं पीसा है, मतलब इसका फाइन पाउडर आपको नहीं बनाना है। मैं आपको चम्मच से भी दिखा रही हूँ, जो ब्रेड है ना थोड़े से मोटे ही हैं। अब पीसे हुए ब्रेड को हम निकाल लेंगे एक प्लेट में। जिस जार के अंदर आपने ब्रेड को पीसा है ना, उसी जार के अंदर आप पीस लेना है ड्राई फ्रूट्स। तो मैंने यहाँ पर लिए हैं बादाम, काजू और पिस्ता। आपको जो भी ड्राई फ्रूट्स पसंद है ना, वो ड्राई फ्रूट्स आप ले सकते हैं। अगर आपको ड्राई फ्रूट्स को नहीं पीसना है तो आप ड्राई फ्रूट्स को ना छोटे टुकड़ों में काट कर भी डाल सकते हैं। अब जार का ढक्कन बंद कर देंगे और इसे पीस लेंगे। ड्राई फ्रूट्स भी पीस कर तैयार हो चुके हैं। और इसका बिना मैंने फाइन पाउडर नहीं बनाया है। जो काजू, बादाम और पिस्ता है ना, वो अभी थोड़े से बड़े बड़े हैं। गैस पे रख देंगे कढ़ाई। आप कढ़ाई की जगह ना फ्राई पैन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब डाल देंगे इसके अंदर दूध। दूध मैंने यहाँ पर लिया है फुल क्रीम, और ये 1/2 किलो है। और ये ना कच्चा दूध है, आप चाहो तो उबला हुआ दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूध में उबाल आ जाने देंगे। तो दूध में उबाल आ चुका है। अब गैस को लो कर देते हैं और इसके अंदर डाल देते हैं केसर। और केसर से ना बहुत अच्छा कलर आएगा। अगर आपके पास केसर है तो आप केसर डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो आप केसर को स्किप कर सकते हैं। केसर डालने के बाद अब डालेंगे चीनी। और चीनी मैंने यहाँ पर ली है 1 छोटी कटोरी, जिसमें से ना मैंने थोड़ी सी चीनी बचा ली है। अगर मेरे को लगेगा कि कम है तो मैं बाकी की चीनी भी डाल दूंगी। और आपको मीठा कैसा पसंद है, उसी हिसाब से ना आप चीनी को कम या फिर ज्यादा कर सकते हैं। अब डाल देंगे इसके अंदर ब्रेड का चूरा। अब इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। और गैस का जो फ्लेम है ना, उसे आपको लो मीडियम ही रखना है। और ये देखिए, केसर ने भी ना अपना कलर छोड़ दिया है, और दूध का जो कलर है ना वो पीला हो चुका है। अब दूध को आपको तब तक पकाना है जब तक दूध गाढ़ा ना हो जाए। कुल्फी रोल बनाने के लिए ना ही तो आपको खोया की जरूरत है, ना ही मिल्क पाउडर की जरूरत है, और ना ही कंडेंस मिल्क की जरूरत है। इन सब के बगैर ना आप बिल्कुल मार्केट जैसी कुल्फी को ना घर पे ही बना सकते हैं। ये कुल्फी आपने बाहर मार्केट में खाई होगी, लेकिन वही टेस्ट और वैसे ही दिखने वाली कुल्फी को ना आप घर पर ही बना सकते हैं, वो भी बहुत आसानी से। और इसको बनाने के लिए ना आपको सिर्फ दूध और ब्रेड की ही जरूरत है। आप चाहो तो जो ड्राई फ्रूट्स हैं उन्हें स्किप भी कर सकते हैं। बाकी की जो चीनी बची हुई थी ना, उसको भी मैंने डाल दिया है दूध के अंदर। और ये कुल्फी जब आप मार्केट में खाने जाते हैं या फिर लेने जाते हैं ना, तो आपको ये 30 या 40 रुपए से कम नहीं मिलेगी, वो भी सिर्फ 30-40 रुपए की बाहर कुल्फी लेने से अच्छा है कि आप ये कुल्फी ना घर पर ही बना लें, और वो आपको मिलेगी 1 और 30-40 रुपए में ना आप ये पूरे घर को खिला सकते हैं। तो जब तक दूध गाढ़ा हो रहा है ना, आप पता है क्या करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और जब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे ना, तो बेल आइकन को भी ज़रूर दबा देना, ताकि मैं कोई भी नई रेसिपी अपलोड करूं तो उसको नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको जाए। और अब तो गर्मी भी आ चुकी है, और गर्मी में कुल्फी या फिर आइसक्रीम खाना किसको पसंद नहीं होता है। कुल्फी तो चाहे छोटे हो या फिर बड़े, सभी की फेवरेट होती है। आपने बाहर का स्वाद तो चखा होगा कुल्फी का, लेकिन ये कुल्फी ना एक बार आप घर पे भी ज़रूर ट्राई करना। सभी को ना ये कुल्फी बहुत पसंद आएगी। तो दूध आधा भी हो चुका है और गाढ़ा भी होना शुरू हो चुका है। इसे चलाते चलाते आपके हाथ तो ज़रूर दुख गए होंगे, लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं है। आप ना इसको कुछ सेकंड के लिए ऐसे ही छोड़ सकते हैं, वो भी सिर्फ लो फ्लेम पर ही। और अब डाल देंगे 1/2 छोटी चम्मच इलायची का पाउडर। अब डालेंगे पिसे हुए ड्राई फ्रूट्स। अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो सभी चीजें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं, लेकिन दूध ना अभी भी पतला है, तो इसको और गाढ़ा करना है। तो दूध ना आधे से भी आधा हो चुका है। तो इस तरह से ना आपको कुल्फी के लिए रबड़ी तैयार करनी है। तो अब गैस को बंद कर देते हैं और रबड़ी को ना ठंडा हो जाने देते हैं। तो उसको रखा रहने देते हैं कढ़ाई के अंदर ही। रबड़ी ठंडी हो चुकी है, और ठंडी होने के बाद ना ये गाढ़ी हो चुकी है।
तो इसको ना अभी सेट करने के लिए नहीं रखेंगे, इसको पहले हम पीसेंगे। तो मैंने यहाँ पर ले लिया है मिक्सर का जार। अब सारी रबड़ी हम डाल देंगे मिक्सर जार के अंदर। सारी रबड़ी जार के अंदर डाल दी है। अब जार का ढक्कन बंद करके इसको पीस लेंगे। और इसको ना आपको ज़्यादा देर के लिए नहीं चलाना है, सिर्फ 10 या 15 सेकंड के लिए ही चलाना है। तो रबड़ी पीसकर तैयार हो चुकी है और ये कितनी गाढ़ी थी, लेकिन जब आप इसको मिक्सर जार के अंदर डालकर चलाओगे ना, तो मैं आपको चम्मच से भी दिखा रही हूँ, इस तरह से ना ये पतली हो जाएगी। तो अब बारी है रबड़ी को मोल्ड में डालने की। तो मैंने ना यहाँ पर 2 ग्लास लिए हैं। अब दोनों ग्लास में हम डाल देंगे रबड़ी। आप कुल्फी को किसी भी बर्तन में रखकर सेट कर सकते हैं। आप चाहो तो ग्लास ले सकते हैं, या फिर कटोरी ले सकते हैं, या फिर कोई भी मोल्ड ले सकते हैं, या फिर जो प्लास्टिक के ग्लास होते हैं ना, आप कुल्फी को उसमें भी जमा सकते हैं। तो दोनों ग्लास में मैंने रबड़ी को कर दिया है। ग्लास को ना आपको 1 से 2 बार पटकना है ताकि जो रबड़ी है ना वो नीचे लेवल में हो जाए। अब ग्लास के ऊपर हम लगा देंगे फॉइल। अगर आपके पास फॉइल नहीं है ना, तो आप इसके ऊपर कटोरी रखकर भी इसे रख सकते हैं। दोनों ग्लास को फॉइल से कवर कर दिया है। अब 5 से 6 घंटे के लिए ना इसे रख देंगे फ्रीजर में। आप चाहो तो कुल्फी को पूरी रात के लिए भी फ्रीजर में रख सकते हैं। तो 5 घंटे हो चुके हैं और कुल्फी को ना मैंने फ्रीजर से बाहर निकाल लिया है। तो आप फॉइल को हटा देते हैं और कुल्फी को चेक कर लेते हैं। तो कुल्फी ना अच्छे से सेट हो चुकी है, मतलब ये ना एकदम बर्फ जैसी जम चुकी है। अब कुल्फी को ना ग्लास से बाहर कैसे निकालना है, इस तरह से ना आप चाकू को कुल्फी के बीच में रखिए। इतनी आसानी से ना ग्लास से कुल्फी बाहर नहीं निकलेगी। और ग्लास के बाहर भी देखिए कितनी बर्फ जमी हुई है, और चाकू भी ना कुल्फी के अंदर जाते ही जम चुका है। तो उसको निकालने के लिए आपको क्या करना है, एक बर्तन में ले लीजिए पानी। जिस भी बर्तन में आपने कुल्फी को जमाने के लिए रखा है ना, उसे रख दीजिए पानी के अंदर। तो अब ग्लास को पानी से बाहर निकाल लेंगे और दोनों हाथों के बीच में रखकर ना ग्लास को घुमा देंगे ताकि उसको चक्कर आ जाए और जल्दी से कुल्फी बाहर आ जाए। अब हल्के हाथों से ना आप चाकू से कुल्फी को घुमाइए और ये देखिए कितनी आसानी से कुल्फी बाहर आ चुकी है। और ये कुल्फी कितने अच्छे से जम चुकी है, जैसे बाहर की कुल्फी होती है ना वो जल्दी पिघल जाती है, लेकिन ये घर की बनी हुई कुल्फी है, जल्दी पिघलेगी भी नहीं। तो अब बारी है कुल्फी को काटने की। तो जो ये कुल्फी है ना, ये बहुत ही अच्छे से जमी हुई है, तो इस वाले चाकू से तो ये कट नहीं सकती। मेरे पास है ये हलवाई वाला चाकू, जो हलवाई वाले यूज करते है ना सब्जी को काटने के लिए, और ये बहुत पहना भी है और इससे ना कुल्फी अच्छे से कट भी जाएगी। तो ये लीजिए कुल्फी रोल बनकर तैयार हो चुकी है। और इसके ऊपर मैं डाल दूंगी पिसे हुए ड्राई फ्रूट्स। चाहो तो इसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स को काट कर भी डाल सकते हैं, और इसके बीच में भी मैं रख दूंगी ड्राई फ्रूट्स। तो आपको मेरी ये कुल्फी की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। और ज्यादा से ज्यादा आप मेरी इस रेसिपी को शेयर करना अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ।